उनको ब्लड अरेंज हुआ। हाँ बेटा हो गया। शहीर का और मेहरा का ब्लड सेम है, वो पॉजिटिव, शहीर ब्लड दे रहा है। जी अल्लाह का शुक्र है। तुम रुको मैं आता हूँ। इरास इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपना खून दे डाला। उसके लिए तो मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी दे सकता। ये तो कुछ नहीं। वो ठीक है ना, उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा सचल। रहना करे, कैसी बातें कर रहे हैं। वो ठीक हो जाएगी और आपको भी कुछ नहीं होगा। प्लीज मेरा फोन पकड़ा दो, मैं दादू को फोन कर। वहां से इतनी जल्दी में निकला कि उन्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। थैंक यू सचिन, तुम आज फोन ना करती तो मुझे पता ना चलता। पुलिस? क्या मतलब है आपका? क्या अब हम लोग पुलिस और कचहरी के धक्के खाएंगे? अरे नहीं नौशाद, बस दुआ करो कि वो लोग पकड़े जाएं बस। मैं तो कहती हूँ कि जब वो लोग कुछ लेकर ही नहीं गए तो उन्हें पकड़वाने का फायदा क्या है। जाने दे इस बात को, और खुदा न खास्ता अगर हमारे पीछे पड़ गए तो जवान बेटी है हमारी घर में। मेरा पर कातलाना हमला हुआ है नौशाबा बेगम, और मैं ऐसे ही छोड़ दूं उनको? छोड़ूंगा नहीं उनको। और तुम मुझे ये बताओ, खुदा ना खास्ता अगर हिरा की जगह सज्जल होती हमारी बेटी तो तुम यही कह रही होती? कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा ना खास्ता, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर हिरा के ससुराल वालों को ये बात पता चली तो जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे वो लोग। अरे कुछ नहीं होगा, शहीद ने खुद पुलिस को बुलाया है, उसी ने इन्फॉर्म किया। मैं तो, मेरे तो जहन में नहीं आया पुलिस को बुलाने का। अरे डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बेटी? हाँ, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ। अल्लाह तेरा शुक्र है यार मेरे मालिक। गोली उनके बाजू में लगी थी जी, शुक्र है कि हड्डी डैमेज होने से बच गई। अल्लाह, लेकिन इंजरी काफी सीवियर है, इसके लिए हमें बहुत एहतियात करना होगा। जी जी जी। डॉक्टर साहब हम मिल सकते हैं उससे? नहीं अभी फिलहाल नहीं, अभी उन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। कल जब उन्हें रूम में शिफ्ट करेंगे फिर हम मुलाकात का सिलसिला तय करते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो अभी आप देख सकते, लेकिन कुछ देर इंतजार करना होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह आपको खुश रखे डॉक्टर साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब।